तो क्या भाई लोग आदिपुरुष की मूवी में प्रभास को लेना एक गलत डिसीजन था? हमने RRR में रामचरण को देखा था राम के रोल में। एक सीन में हमें दिखाया जाता है जो रामचरण है वो धनुष बाण चलाते हुए दिखाई देते हैं, और वो सीन देख के सबको लगा कि यही आदिपुरुष के रोल में फिट बैठेंगे। उसके बाद ओम राउत ने रिलीज़ किया अपना आदिपुरुष का टीज़र, जिसको देख को लोगों को कन्फर्म हो गया कि प्रभास फिट नहीं है भाई इस रोल के लिए। लेकिन प्रभास के जो फैन बेस है ना, वो शायद ही किसी एक्टर का होगा भाई। आफ्टर बाहुबली प्रभास का जो दबदबा है वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में जम गया। लेकिन आदिपुरुष मूवी के पहले उन्होंने दो और मूवी दी थी, साहू और राधेश्याम। दोनों मूवी अल्ट्रा डिजास्टर वाली फ्लॉप रही थी भाई। उसके बाद काफ़ी लोगों को लगने लगा कि प्रभास अन्ना का जो चैप्टर है वो लोग क्लोज हो चुका है, लेकिन आदिपुरुष के अनाउंसमेंट ने सबको हिला के रख दिया था, लेकिन इसके टीज़र ने सबको उड़ा के रख दिया था। लेकिन भाई आदिपुरुष यानी कि जो हमारे प्रभास हैं, उनका दबदबा अभी भी है साउथ में। साउथ में अभी भी उन्हें लोग भगवान के रूप में देखते हैं भाई। सही, इसका आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आदिपुरुष का प्री रिलीज इवेंट देख लो भाई, क्या ही तगड़ा वाला माहौल क्रिएट हो गया था वहाँ। ट्रेलर ने तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया ऑडियंस को, लेकिन ऑडियंस ने काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया मूवी को।